दुनिया से मिटा देंगे, इस दौर जहालत को दुनिया से मिटा देंगे, हम इल्म की शमा को हर दिल में जला देंगे। आज हम आपसे दिल्ली की कुछ बातें करेंगे। दिल्ली जो सभी भारतवासियों का दिल है, इस दिल की धड़कन से पूरे देश की धड़कनें जुड़ी हैं। बहुत सी बातों में से हमारी दिल्ली की एक खास बात यह है कि इसे जहां दिन में आराम और चैन नसीब नहीं है, लोगों का सैलाब है, उनकी भागम भाग है, तेज तेज कदमों से इधर उधर बस चलते जाते हैं, फुर्सत नाम की कोई चीज इनकी जिंदगी में नहीं। वहां जब रात की चादर दिल्ली को अपने में समेटती है, अंधेरा छा जाता है, तब भी वही शोर, वही हंगामा और वही भाग दौड़, गहमा गहमी। दूसरी बात जो कभी महानगरों में अजीब लगा करती थी, आज जिसकी आदत सी हो गई है, वो ये कि कंक्रीट की ऊंची ऊंची इमारतों, औद्योगिक इकाइयों, व्यवसायिक जमघटों के कदमों में कहिए या उन्हीं की बगल में बस गई हैं, घास, बांस, लकड़ी के तख्तों से बनी प्लास्टिक की चादरों से ढकी हजारों नहीं लाखों झुग्गी झोपड़ियां, जिन्होंने जहां सींग समाया वहीं डेरा डाल दिया है। आइए अब एक और बात देखते परखते हैं। इसी खास बात से दिल्ली का सांस्कृतिक स्वरूप, इसकी आकृति, इसका चेहरा मोहरा बदल गया है। नौकरी की तलाश में कहिए या मेहनत मजूरी करके अपना और कुनबे का पेट भरने की इच्छा, कुछ भी काम करने की मजबूरी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं के सभी राज्यों सभी क्षेत्रों से लोगों को दिल्ली ने अपनी ओर चुंबक की भांति खींचकर अपने में समो लिया है। सभी को इनमें ऐसे परिवारों के ये पुरुष हैं, ये स्त्रियां भी और ये बच्चे भी। दिल्ली के क्षेत्रफल को देखें तो दिल्ली में और दिल्ली में बाहर से आए लोगों के कारण अब तो जैसे दिल्ली के लिबास की सीवन उधड़ में फटने लगी है। इनकी उंगलियों ने कभी किसी कलम को नहीं छुआ, हाथों में किताब कॉपी नहीं आई और आंखों ने क ख ग के अक्षरों को नहीं पहचाना, इसीलिए कोल्हू के बैल की तरह सीमित दायरों में, सीमित आमदनी में, सीमित से जिंदगी जी रहे हैं और अनपढ़ रह जाने के कारण न अपने अधिकार जान पाए, न खूबसूरत मुस्कुराती जिंदगी जी भर कर देख पाए, बस अभावग्रस्त जीते जा रहे हैं, अपने दिल में सैकड़ों इच्छाएं लिए, आंखों में सपने लिए। इन्हीं की आंखों के सामने चौड़ी सपाट सड़कों पर मोटरें, कारें, स्कूटर, बसें धूल फेंकते हुए साए से गुजर जाती हैं। स्कूल के बच्चे हंसते मुस्कुराते स्कूल आते और जाते हैं। ये आंखें इस दृश्य को देखकर कुछ ना कुछ जरूर सोचती होंगी, सोचती होंगी तो कुछ सवाल जरूर उनके दिल और दिमाग में उभरते होंगे उन सहूलियतों के बारे में जो इन्हें कभी नहीं मिली। क ख ग अक्षरों ने इनकी जिंदगी के दरवाजे पर क्यों दस्तक नहीं दी, अपनी रोशनी क्यों नहीं बिखेरी? से कुछ फायदा नहीं है, रिक्शा चलाने हमारा फायदा है, इसमें बाल बच्चा पाल सकता हूँ। मुझे तो केवल बच्चे देखना है, रोटी पानी करना है, आदमी की सेवा करना है, ड्यूटी तो करना नहीं मुझे, कोई काम तो करना नहीं है, घर के अंदर रहना है, घर को संभालना है बस। कुछ फायदा नहीं है, क्या फायदा है, पढ़ लिख के क्या मिला? कुछ भी नहीं, हमारे माँ बाप ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं, आप क्या पढ़ाओगे हमें? पढ़ लिख के कुछ फायदा नहीं है, हम अपना काम से खुश है, हमें कोई बाबूगिरी नहीं करना है। मैं तो बुढ़ा हो गया जी, आजकल के पढ़ाई में फायदा है क्या? पढ़ने वढ़ने से कोई कुछ भी नहीं, क्या फायदा है पढ़ने से? देखा आपने इन लोगों को,
सुन ली इनकी बातें, इन नागरिकों का दृष्टिकोण, इनकी विचारधारा, इनकी सोच का रुख तो पहचान ही लिया होगा आपने। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं। जिस प्रकार के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उनकी बात छोड़ भी दें तो सच्चाई ये है कि निरक्षरता निवारण का उत्तरदायित्व सरकार पर भी तो है, और सरकार द्वारा कुछ समय पहले तक गर्व किए जाने जैसा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया था, जबकि इसकी निश्चित जरूरत थी। आने वाले सदी में, 21वीं सदी में, हमारा देश सबसे ज्यादा निरक्षर देश होकर प्रवेश करेगा। एक कलंक है हमारा देश का ऊपर। इस कलंक के साथ हम आने वाला सदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसको मिटाना है तो पहले राजधानी से निरक्षरता को मिटाना चाहिए, और राजधानी में इस प्रोग्राम को अमल करना उतना ईजी नहीं है। राजधानी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और बहुत प्रांत एक बहुत स्टेट का लोग आए हुए हैं, हेटेरोजीनियस क्राउड हैं, और लोगों के पास वक्त नहीं है पढ़ने के लिए। लेकिन हर हालत में हम निरक्षरता को राजधानी से मिटाना है। समस्या अगर जटिल थी तो इसे हल करने के लिए कुछ संजीदा लोग भी आगे आए। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रभात फेरियां निकाली गईं। निरक्षर लोगों को महसूस हुआ कि उनके भविष्य के लिए, उनकी भलाई के लिए, उन्हीं के लिए ये पैगाम है। नुक्कड़ नाटकों द्वारा भी ये संदेश निरक्षर लोगों तक पहुंचाया गया कि शिक्षा का अर्थ है जीने का एक नया ढंग, अपने अधिकारों की पहचान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। ये सत्य है कि विद्यार्थी, अध्यापक, सेवानिवृत्त, समाजसेवी, कई वर्गों के कई लोग इस अभियान में अपने अपने ढंग से दिलचस्पी लेने लगे, सक्रिय रूप से जुड़ गए। पर ये प्रयत्न भी कुछ सीमा तक पर्याप्त नहीं थे। लोगों की अभिरुचि और चेतना के लिए, साक्षर होने के लिए, उन्हें बरसों पुरानी नींद से जगाने के लिए, उन्हें आकृष्ट करने के लिए कुछ अन्य उपायों की भी जरूरत थी। इस जरूरत को आइए देखते हैं कि कैसे पूरा किया गया। भीड़ भाड़ की जगहों पर, जैसे बस अड्डा, रेलवे स्टेशन आदि पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए ताकि दूर से नजर पड़ सके। उनकी अपनी दिल्ली की बात जो है, दिल्ली की सड़कों पर, बिजली के खंभों पर जगह जगह आकार में छोटे लेकिन बड़े अक्षरों में बोर्ड लटकाए गए। आपको पता ही है कि आंखें जो संदेश पढ़ती हैं, कई बार वो बात दिलो दिमाग में गहरा उतर कर घर कर लेती है। यही नहीं, मेहनत कशों की बस्तियों में घरों की दीवारों पर ये संदेश लिखवाए गए। इन घरों के लोगों ने स्वयं संदेश लिखाने की दावत दी। चौड़ी संकरी गलियों में, पुरानी ऐतिहासिक और आज के समय की दिल्ली में बैनर टांगे गए। झोपड़ियों में रहने वाले निरक्षर लोगों तक ये संदेश पहुंचाया गया कि ये अभियान अपनी किस्म का अनोखा तो है ही, लेकिन स्वयं उनके लिए अब कुछ नया किया जा रहा है। इतना करना ही काफी नहीं था, जरूरत थी कि निजी तौर पर निरक्षर लोगों से इत्मीनान से बातचीत की जाए, उन्हें समझाया जाए। इस कार्य के लिए जिन लोगों ने इस अभियान को अपना ध्येय बनाया था, वो अपने इलाकों में घर घर घूमकर लोगों को गा खा गा सीखने की दावत देने के लिए निकले। उन्हें शिक्षा का, शिक्षित होने का महत्व समझाया। पूरे क्षेत्र के 200 समर्पित व्यक्ति आए, जिनमें वर्ग के सभी लोग थे, अध्यापक, प्रिंसिपल, डॉक्टर, वकील,
गृहिणी, बैंक कर्मचारी, डाक कर्मचारी, दुकानदार, यानी वर्ग को हमने सभी वर्ग को जन सहयोग इसमें लिया। और जैसे ये जनसमूह हमारे सामने आया तो एक बहुत अच्छी मेरे लिए ये बात आई कि मैं अब इनमें से चुनाव कर लूँ। और हमने घर एक एक घर का दरवाज़ा खुलवा के सागरपुर के अंदर सर्वे किया, तो हमें सर्वे में पूरे सागरपुर की बात है 1899 लोग ऐसे निरक्षर मिले जिनकी आयु 15 से 35 साल की थी, और उनका हमने चयन किया, उनको हमने समझाया कि ये अभियान क्या है, हम लोग क्यों आए हैं और हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। वो लोग हमारी बातों से बड़े प्रभावित हुए और ज़्यादातर लोगों ने कि हमारे साथ कहा कि हम अभियान के साथ जुड़ेंगे, अगर हमारी बहुएं बेटे या नहीं हैं, अनपढ़ हैं, उनको हम लोग पढ़ाएंगे। आपने देख सुन ही लिया कि मंजिल के इस पड़ाव तक पहुंचकर हमने किस प्रकार निरक्षर लोगों को पहचाना, साक्षर होने के लिए रजामंद किया, लेकिन इस कुरुक्षेत्र में सफल होने के लिए एक अति आवश्यक पड़ाव तक और पहुंचना शेष था, यानी उन लोगों की पहचान, उनका चुनाव, जो इन लोगों को पढ़ाने के लिए आगे आए, दिलो जान से पढ़ाएं, पूरी लगन और पूरे विश्वास, पूरी सहानुभूति के साथ ये कार्य करें। हमारा अभिप्राय स्वयंसेवकों यानी वॉलंटियर्स से है। तो मैंने अपने स्कूल में असेंबली के अंदर ये साउंड अनाउंसमेंट किया कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, जो एक्टिव हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ और भी काम करने के इच्छुक हैं। ऐसे बच्चों की मैंने अपने ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई और उनसे विशेष बात करी कि हम किस प्रकार से साक्षरता अभियान चलाना चाहते हैं। वॉलंटियर्स के दस्ते जब तैयार हो गए तब उन्हें प्रशिक्षित किया गया ताकि वो ये जान सकें कि निरक्षर लोगों की मनोवृत्ति क्या है, उनका मनोबल कैसे कायम रखा जा सकता है और किस प्रकार क ख ग की शुरुआत करनी है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम साक्षरता स्वयंसेवकों को यह बताते हैं कि वह प्रौढ़ निरक्षरों को किस प्रकार से पढ़ना लिखना सिखाएंगे। इसका हम उनको कौशल अर्जित करना सिखाते हैं, उनके अंदर हम इस प्रकार के स्किल्स विकसित करते हैं जिससे कि वे अपने से बड़ी उम्र के प्रौढ़ों को पढ़ा सकें, उनको कार्यात्मक साक्षरता प्रदान कर सकें, उनको राष्ट्रीय मूल्यों के विषय में बता सकें, उनको ये बता सकें कि राष्ट्रीय एकता, स्त्री पुरुष समानता, पर्यावरण का संरक्षण, ये बहुत ही हमारे लिए अहम मुद्दे हैं, और इस पढ़ाई लिखाई की प्रगति की जांच करते रहना यह भी हमारा एक उद्देश्य है। तो हम यही चाहते हैं कि उसी इलाके के स्वयंसेवक हों, क्योंकि वो पास में रहते हैं और पास में रह के जो इलिटरेट्स हैं उनको वो ज़्यादा समय भी दे सकते हैं। फिर उनको ले जाके जब हमने आइडेंटिफाई कर लिए, एक जो उनके घर के आसपास का है, एक घर उनको बता दिया, प्रॉपर जगह बता दी, स्थान बता दिया, और उनको उनके जो 10 लर्नर्स हैं, मतलब इलिटरेट पीपल हैं, उनसे मिलवा दिया। वॉलंटियर्स में साहस की कमी न थी। अपनी पढ़ाई लिखाई के अलावा अभियान में अपने जोश से उन्होंने निरक्षर लोगों को प्रोत्साहित किया, जब ही तो सफलता भी मिली। हमने कुछ वॉलंटियर्स से अलग अलग जगहों पर जाकर मुलाकात की। हम जानना चाहते थे कि वो अपनी मुफ्त सेवाओं द्वारा अभियान को सफल बनाने के लिए क्यों काम कर रहे हैं, आखिर वो कौन सी खुशी है जिसे वो हासिल कर रहे हैं। मैडम, मैंने 35 साल पहले 8 क्लास पास करी थी, तो मेरे दिल में काम धंधे में घर के में जब तक वो ना रहा, और अब घर का बहू भी आ गई सारी बात, तो मैं सोच रही थी कि ये काम शुरू करूं, लड़कियों ने हमारे काम में शुरू कर दिया था, तो मेरा भी दिल करा कि मैं भी ये करूं। एक बार तो सोच रही थी भाई ये कर पाऊं कि ना कर पाऊं, लेकिन नाम लिखा इनका जब सब शुरू करा तो होने लगा, और मैं जब घर घर जाती हूँ ना बुलाने तो कहते हैं तेरे को क्या मिलेगा। मैंने कहा जो आज़ादी की लड़ाई लड़ गए वो बेचारे गुजर गए और हम यहाँ अब बैठे हैं, अगर जो वे सोचते तो हम आज़ाद ना हुए बैठे होते। ये मेरी वाइफ है, ये यहाँ पर सेंटर चलाती हैं, तो मैंने देखा हमारे पुरुष भाई रह जाते हैं, उनको शिक्षित करने के लिए मैंने बीड़ा उठाया और इनको जो है अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। जब मैडम आई हमारी प्रिंसिपल, उन्होंने कहा कि सेंटर चलाना है, कौन कौन चला सकता है, तो कुछ लड़कियों ने हाथ उठाया, उसमें से मैंने भी उठाया हाथ, तो मैडम ने शाबाश दी, कि इससे ये महसूस हुआ कि सेंटर में चला सकती हूँ। हमारे कॉलोनी में बहुत सारे अनपढ़ हैं और ये मुझे खुशी भी होती है कि मैं इन लोगों की हेल्प करता हूँ और ये लोग
शिक्षा पा जाएंगे, इससे मतलब सब गुमराही से बच सकते हैं। बहुत से लोग हमारे मोहल्ले में अनपढ़ थे, तो उनको देख के मुझे लगा कि मैं इन लोगों को पढ़ाऊं। एक बार हमारे घर पे ना कुछ गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, उन्होंने मेरी मम्मी से बात की। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए मेरी मम्मी उनका जवाब ठीक ढंग से नहीं दे पाई। मुझे उस दिन काफ़ी दुख हुआ कि मेरी मम्मी उनका जवाब नहीं दे पाई, और मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ कि अपनी मम्मी को पढ़ा सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी को जरूर पढ़ाऊंगी और अपनी मम्मी के जैसे ही और लेडीज को भी पढ़ाऊंगी जो नहीं पढ़ी हुई हैं। वॉलंटियर से मुलाकात करने के बाद हम में एक विशेष बात जानने की उत्सुकता पैदा हुई। वॉलंटियर्स का योगदान मिला ठीक है, लेकिन वॉलंटियर्स में भी सेवा भावना की ज्योति को किसी ने रोशन किया होगा, किसी राहबर ने रास्ता और मंजिल इंगित की होगी। ये काफिला कैसे जुड़ा? इस प्रश्न का उत्तर हमें शीघ्र ही मालूम हो गया। मैंने देखा कि यह पुण्य का काम है, मैंने ऊपर होटल का ऊपर बना दिया। हम सोचे कि आदमी का अगर लिखा पढ़ा सिखाए छोटा बड़ा, तो इसमें बहुत पुण्य का काम है। हम ये सोच के मैं ये काम किया हूँ। धीरे 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 अभी 220 तक अभी पहुँचा हुआ है। ये दुनिया की देख रेख किन कर रहे हैं कि अच्छा पढ़ लें तो ये कहीं कुछ ना खराब जगह जावे। मैंने सोचा अपना एयरफोर्स में रिटायर होने के बाद कि देश की सेवा की है 23 साल, तो कुछ समाज के प्रति भी मेरा कर्तव्य बनता है, तो मैं इस अभियान के साथ मैं जुड़ गया। मेरे अपने जीवन में दो ही लक्ष्य हैं, एक परिवार कर्तव्य हैं, एक परिवार के प्रति और राष्ट्र के प्रति। राष्ट्र के प्रति कुछ करने के लिए मुझे साक्षरता अभियान में जुड़ने का मौका मिला। जब मैं साक्षरता अभियान से जुड़ी, उस समय से मुझे बहुत ही प्यार और मान सम्मान मिला, जो भी किसी भी पैसा खर्च करके या किसी भी और तरीके से मैं प्राप्त नहीं कर सकती थी, केवल साक्षरता अभियान में जुड़कर ही मुझे मिल सकता था। वर्णमाला के अक्षर चाहे किसी भी भाषा में हों, उन्हें जान और पहचान लिया जाए तो इंसान जिंदगी के अर्थ जानने समझने लगता है। वो सत्य का आईना होते हैं। दिल्ली के दूर के कोने जगदम्बा विहार में हमने देखा कि शिक्षा ने किस प्रकार तमाम जाति भेदभाव भुला दिया है। इस मस्जिद में हिंदू स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करने के लिए आती हैं। इससे बेहतर धार्मिक और विचारों की एकता की मिसाल भला और क्या हो सकती है? निरक्षर लोग भले ही कितने सुलझे दिमाग के और बुद्धिमान क्यों ना हों, ऊंच नीच भले बुरे की उन्हें पहचान हो, लेकिन अक्षरों से उनकी पहचान पहली बार होती है। इस मुलाकात को दिलचस्प बनाने के कई ढंग हैं, जैसे कोई रोचक कहानी सुनाकर, कठपुतलियों द्वारा ज्ञान की बातें बताकर, या कुछ वस्तुओं का प्रदर्शन करके। वो आसानी से क ख ग तो क्या कुछ ही दिनों में शब्द और फिर छोटे छोटे वाक्य पढ़ने लिखने लगते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग की ओर लोगों की अभिरुचि होने लगती है। छोटी बस्तियों में रहने वाले भला दूसरों से पीछे क्यों रहते? वो भी योग का प्रशिक्षण इस अभियान के अंतर्गत प्राप्त कर रहे हैं। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि साक्षरता ज्ञान के बाद निरक्षर लोगों में, उनकी सोच में, व्यवहार में क्या वाकई किसी नवचेतना का या किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है? पहले जब हम अनपढ़ थे तो हम चिट्ठी वगैरह कोई भी चीज़ दूसरों से पढ़वाते थे तो लोग नखरे दिखाते थे। आज हम इन सेंटरों में या इनमें पढ़ लिख कर इस काबिल हो गए, हम चिट्ठी दूसरों के खत चिट्ठी हम खुद पढ़ सकते हैं और हम दूसरों पे निर्भर नहीं हैं। हम औरतों की मतलब है पढ़ने से हम इज्जत समझते हैं अपनी, कि हमारी भी कोई इज्जत है और अच्छा लगता है। और कल को किसी सोसाइटी ऐसी ऐसी सोसाइटी होती हैं जो हम जबान नहीं बोल सकते और हमारे बच्चे हमें पढ़ा रहे हैं, हमारी लड़की जैसे कि हमें पढ़ा रही है, तो हमको ये महसूस होता है कि भाई हमारी भी कोई मतलब इज्जत है और हमारा हक है ये। पहले ऐसे रहते थे हम बुझे बुझे ऐसे, अब जाते हैं तो ज़रा चौड़ होकर जाते हैं कि हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी दूसरों की तरह नहीं है, हम भी अब पढ़ कर जाएंगे ना तो अल्लाह से जवाब ले लेंगे और क्या, वहाँ भी तो चाहिए। अब हमारे दिल अंदर की आत्मा जाग उठी है। पहले तो हम लोग घर से बाहर भी कभी ना जाते, और अब है ना हम तालकटोरा स्टेडियम में भी गए, वहाँ जाके हमने गाना भी गाया और दूसरा इनाम भी हम जीत कर लाए। अपने घर की साफ सफाई ही रख लेते हैं, अपने बच्चों को साफ सफाई रखते हैं, कमी कपड़े हों फिर भी हम धो के पहनाते हैं उनको, और गली मोहल्ले वालों को भी यही कहते हैं भाई साफ सफाई रखो
और गंदगी ना फैलाओ। इससे हमें काफ़ी सुविधा हो गई हिसाब किताब करने की। पहले हमें काफ़ी दिक्कत होती थी, अब हमें वो दिक्कत अब दूसरे से मदद नहीं लेनी पड़ती। जैसे पहले हिसाब में ज़्यादा जोड़ के लिए आते थे, फालतू पैसे ले जाते थे, ये परेशानी हमारी दूर हो गई है। कहीं भी कोई भी काम, जैसे थाना हुआ, पुलिस हुआ, कोर्ट कचहरी, जो भी काम करने से अभी हमें कोई झिझक नहीं लगती। जैसे कि मैं शराब पीता था पहले, तो मैं किताबों के अंदर पढ़ा है जो शराब पीना व तम्बाकू खाना ऐसा नशा करना बुरी चीज़ है, तो मैंने वो छोड़ दिया। ये तो सीख लिया है कि लड़की लड़का में कुछ फर्क नहीं है। मैं हर बच्चे की तरह गंदा घूमता था, जुआ भी मैंने बहुत खेले बच्चों, छोटे बच्चों में, जो मुझे जियाउल हक ने मुझे बहुत कुछ पढ़ा के सिखाया। जैसे बच्चे बीमार हुए, मतलब तबीयत खराब हुई, इनकी डॉक्टरी दवा करवाई, नहीं फायदा हुआ, तो ओझा टोना वाले के पास ले गए, उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है, उस पर हम विश्वास कर जाते थे और उसे मान के चलते थे। मतलब अब पढ़ाई से हमें यह ज्ञान हुआ है कि मतलब ये सब बात झूठ होती है, इन लोगों पे हम विश्वास नहीं करते, मतलब ये अपना बनाने खाने का धंधा बना रखा है खाली झूठ बोल बोल के हर बात पे। यहाँ आने से पहले हमें कुछ नहीं मालूम था कि छोटा परिवार क्या होता है, बड़ा परिवार क्या होता है। यहाँ आने से हमें पता चला कि छोटे परिवार में फायदा है, बड़े परिवार में बहुत घाटा है। अरे हर एक चीज़ का नुकसान ही है, छोटा परिवार है अच्छा, पढ़ा ले, खवा ले, पहना ले बच्चे को। ये ज्ञान तब मिला जब साक्षरता का महत्व समझ में आ गया। साक्षरता का परिचय जिस पाठ्य सामग्री से हुआ उसका महत्व भी कुछ कम नहीं है। सच पूछिए तो यही सामग्री ही वो नींव है जिस पर उनकी सोच और कल्पना की इमारत खड़ी होती है। प्राइमर तैयार करने में हम लोग दो चीजों का ध्यान रखते हैं, एक तो ये कि साक्षरता की जो हुनर है, लिटरेसी स्किल सिखाना, और दूसरा उनमें सोशल अवेयरनेस लाना, ताकि उन लोगों को अच्छा लगे और लगे कि वो उससे जुड़े हुए हैं, उनकी ज़िंदगी की बातें हो रही। जैसे रमा का घर लेसन है, अब बहुत पसंद आता है लोगों को, क्योंकि रमा एक महिला है जिसके घर में पानी की कठिनाई नहीं है या उसके घर में आग है, खाने की चीज़ें, वो क्यों है इसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। उसके अलावा हम प्री टेस्टिंग करते हैं, जैसे इलस्ट्रेशन बनाए, हो सकता है हमारे आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन बनाया हो, लेकिन हम जा कर के उसको लर्नर के साथ बैठ के देखते हैं कि उसकी समझ में आ रहा है कि नहीं, जो हम मैसेज देना चाहते हैं उसकी समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसके लिए हम उसको प्रीटेस्ट करते हैं। प्लस हम उसकी लैंग्वेज को भी टेस्ट करते हैं कि जो शब्द हमने उसमें दिए हैं वो उनकी समझ में आने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हम कोई बहुत अच्छी भाषा लिख रहे जो उनकी वोकैबुलरी में नहीं हो। साक्षरता अभियान ने दिल्ली में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। इसकी सफलता का एक बड़ा कारण ये है कि जिन व्यक्तियों को साक्षर किया जा रहा है वो पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ समय अपनी व्यस्तता में से निकाल रहे हैं। यही क्या, हम जब कैमरा लेकर कुछ घरों में पहुंचे तो कैमरे ने जो देखा वो काफी रोचक और आश्चर्यजनक था। दिलचस्पी का यह आलम था कि घर की दैनिक गतिविधियों के अलावा फुर्सत या फुर्सत के ना होने पर भी छोटे से बड़े तक पढ़ने में या पढ़ाने के लिए किसी न किसी तौर पर समय निकाल रहे थे और ज्ञान का सच्चा आनंद उठा रहे थे। जो कुछ हमने देखा, आपने देखा, वो एक सच्ची तस्वीर थी। लेकिन इस सत्य से भी हम आंखें नहीं मूंद सकते कि अभी मंजिल बहुत दूर है, बहुत कुछ करना होगा। सत्य बात यह भी है कि दिल्ली महानगर में रहने की बहुत सी मजबूरियां सामने आकर रास्ता रोक लेती हैं। समस्याएं ऐसी रुकावट बनती हैं कि उनका समाधान ढूंढना सरल नहीं है। जैसे कि छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में या मेहनत मजदूरी करने वालों के कभी एक से काम करने के घंटे नहीं होते, कभी दिन की शिफ्ट है तो कभी रात की नौकरी शुरू हो जाती है। कमेटी का नल है जिसका पानी मुहैया करने का वक्त निश्चित नहीं, कभी सुबह 5 बजे बाल्टी भरनी पड़ती है तो कहीं 7 बजे तक बाल्टियां खाली धरी रहती हैं। प्रकाश व्यवस्था का भी क्या ठिकाना, बत्ती जल रही है तो ठीक, और अगर गुल हो गई तो कब आएगी कौन जाने, कुछ भी समय लग सकता है। हर बस्ती में यह सुविधा है भी तो नहीं, जगह की तंगी भी एक बड़ी समस्या है। जगह दिल्ली में रही ही कहां है, कीमतें आसमानों को छूने लगी हैं। कुछ लोग वर्ष के कुछ ही हफ्तों या महीनों के लिए दिल्ली में रोजी कमाने आते हैं और फिर वो भी अपने अपने देश चले जाते हैं।
ये व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। ऐसे परिवारों की जिंदगी बंजारों जैसी है। अरे हाँ, टीवी ने भी तो, हमारा मतलब है लोग सबसे सस्ते और आसान मनोरंजन को छोड़कर हिलना नहीं चाहते, घर से बाहर कदम नहीं रखते पढ़ने के लिए। कम्युनिटी से अभी तक पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग तो कर रहे हैं और बहुत जोर लगाकर, दिल लगाकर, पूरा टाइम देकर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लोग बहुत कम हैं। हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स टीचर्स को इस प्रोग्राम में शामिल किए हैं और वो भी गवर्नमेंट स्कूलों का बच्चे हैं और टीचर्स हैं। पब्लिक स्कूल से पार्टिसिपेशन कम है, पढ़े लिखे लोगों का पार्टिसिपेशन कम है और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन उतना नहीं है उतना होना चाहिए। कमियां और दुश्वारियां किस काम को शुरू करते समय नहीं हुआ करती, लेकिन ये तय है कि इनसे घबराने से काम नहीं चलेगा। इन अक्षरों ने, इन्हीं का खा गा ने पथराई आंखों में विश्वास और आशा की नई चमक पैदा की है। मूकवाणी को नए नए अर्थ दिए हैं। साक्षरता अभियान का स्वर अन्य राज्यों, अन्य नगरों की तरह अब दिल्ली में भी गूंजने लगा है। बेहतर जिंदगी के लिए साक्षर होना पहली शर्त है।